दोस्तों, हमारे देश के कौशल प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी मिले, इसका भी ध्यान सरकार रखती है। जॉब मेला ऐसा ही एक प्रयास है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां युवाओं को नौकरी देकर उनके सपने साकार करती हैं। ऐसी ही एक पहल हुई मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। आइए देखते हैं क्या रही इस पहल की मुख्य बातें। जिस तेजी से देश में इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, उसी तेजी से देश के अन्य क्षेत्रों में भी गति आ रही है। आज देश में पर्यटन का व्यवसाय तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण इस क्षेत्र में कुशल और हुनरमंद युवाओं की डिमांड भी बढ़ी है। होटल और पर्यटन के क्षेत्र में युवाओं को कौशल प्रशिक्षित करने का काम टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल करती है, जहां युवाओं को कई तरह के जॉब रोल में प्रशिक्षित किया जाता है। इन कौशल प्रशिक्षित हुनरमंद युवाओं को अच्छी नौकरी आसानी से मिले, इसके लिए समय समय पर जॉब फेयर का आयोजन भी किया जाता है। ऐसा ही एक आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भी किया गया। We are here to attend this job fair which has been organized by Tourism and Hospitality Sector Skill Council. THSC actually organizes job fairs for us pan India and they give us a platform wherein we are able to hire unskilled and semi-skilled employees across cities and we try to onboard these candidates in our organization at various roles as per the aspiration level of the candidates. I am thankful for THSC to give us this platform where we can hire these people. Job fair एक ऐसा मंच है जिसके जरिए युवाओं को तो आसानी से नौकरी मिलती ही है, साथ ही कंपनियों को भी अपने लिए अच्छे हुनरमंद युवा आसानी से मिल जाते हैं। इस तरह से जॉब फेयर सभी के लिए फायदेमंद साबित होता है। काफी एम्प्लॉयज को सिलेक्शन किया है, इसमें से कुछ लोग हमको ज्वाइन भी किया है एंड जॉब फेयर्स आर गोइंग ऑन वेल। हमारा विन विन सिचुएशन है, हम जो है लोएस्ट रंग बिलो 8th स्टैंडर्ड ऑल्सो एम्प्लॉय कर देता है एंड यहाँ पे हमको बहुत सक्सेस मिला है, खास करके डिस्ट्रिक्टों से जहाँ पे बिल्कुल रोजगारी नहीं है, वहाँ पे लोग काफ़ी दिलचस्पी दिखाया है, आया है एंड एक्चुअली टुमारो वी आर पिकिंग अप। रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है मेरे को अब तक। इस ये जो फेयर छोड़ के मेरे को ऑलरेडी 4500 आदमी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें से कन्वर्जन तो मेरे को 40% भी मिल गया, तो आई विल बी हैप्पी। होटल इंडस्ट्री एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सभी तरह के हुनरमंद युवाओं की जरूरत बनी ही रहती है, फिर चाहे वो कम पढ़े लिखे हों या ज्यादा, यहां पर सभी के लिए कोई ना कोई काम रहता ही है। इंदौर में हुए इस जॉब फेयर में कई युवाओं को यहाँ आई हुई कंपनियों में नौकरी मिल गई, जो कि युवाओं के लिए बहुत खुशी का पल था। मेरा दो कंपनी में सिलेक्शन हुआ है और मैं यहाँ की व्यवस्था से खुश हूँ, क्योंकि यहाँ मतलब आने जाने के लिए इतना बड़ा कैंपस है, उसके लिए सरकार ने वैन वगैरह की सुविधा प्रदान करी है। इतनी आसानी से नौकरी मिलने से युवाओं को भी अपने हुनर को निखारने का अच्छा अवसर मिलेगा और अनुभव लेकर ये अपने करियर को एक बेहतर दिशा दे सकेंगे। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल ने हमारे साथ जो काम किया वो बहुत ही बेहतरीन ऐसा काम था। हम लोगों ने रोजगार मेलों की एक श्रृंखला शुरू की मध्य प्रदेश के पूरे 51 जिलों में। उस श्रृंखला को हम लोगों ने हमारे जो पार्टनर्स है NHDC और सेक्टर स्किल काउंसिल उनके साथ साझा की, इंडस्ट्री की इसमें हमने मदद ली, जिसमें हमको सबसे अच्छा रिस्पॉन्स अगर कहीं से मिला तो वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से मिला। हम लोगों ने इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विदेशों में भी नौकरी देने के लिए बच्चों को प्रेरित किया और कंपनियां भी हमारे साथ आई। जॉब फेयर से लड़कियों को विशेष तौर पर बहुत फायदा होता है, खासकर उन लड़कियों को जो नौकरी की तलाश में घर से दूर नहीं जा पाती। जब उन्हें इस तरह से बड़े प्लेटफॉर्म पर नौकरी का अवसर मिलता है तो जाहिर है उनके सपनों को भी नई दिशा मिलती है। मुझे इस जॉब फेयर के बारे में एडवर्टाइजमेंट से पता चला, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के लिए ये जॉब फेयर लगा था, जिसमें मैंने डस्ट टोटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में एक इंटरव्यू दिया था, इससे मुझे ये LOI प्राप्त हुआ है, जिससे मुझे फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की जॉब ऑफर की गई है, जिसमें मुझे
20,000 प्रति माह की सैलरी ऑफर की गई। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है हमारे इसमें सब सेक्टर्स होते हैं, तो बेसिकली टूरिज्म एक बड़ा लार्ज अम्ब्रेला है जिसके अंदर टूरिज्म के रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि ट्रैवल एजेंसी है, टूर ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा हमारे जो दूसरे वर्टिकल्स हैं वो होते हैं मेन स्ट्रीम होटल इंडस्ट्री, जिसमें लॉजिंग बोर्डिंग दोनों इंक्लूडेड होती हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है, फूड इंडस्ट्री अब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, तो उसको एक हम अलग वर्टिकल काउंट करते हैं। इसके अलावा फैसिलिटी मैनेजमेंट में जो सॉफ्ट सर्विसेज हैं वो भी हम लोग उसको टेक केयर करते हैं, एंड क्रूज लाइनर्स की जो सॉफ्ट सर्विसेज हैं। सो ये पांच सब सेक्टर्स मिला के हमारी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल बनी। हर इंडस्ट्री हमें बता देती है या हर एम्प्लॉयर हमें बता देता है कि अगले एक साल में मुझे इतने लोगों की ज़रूरत है, तो ये हमारा एक प्राइमरी रिसर्च बेस्ड डेटा हो जाता है हमारे पास, जिसमें से हमें ये फिर पता चल जाता है कि अगर F&B स्टूवर्ड हमने कहीं तैयार करने हैं तो हमें कितने तैयार करने चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में कितने डिमांड है। सरों की कोई कमी नहीं, बस जरूरत है कि युवा अपने को हुनरमंद बनाएं और आगे आ रहे इन नौकरी के अवसरों का लाभ उठाएं और अपने लिए सफलता की राह चुनें। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हमारा यह प्रयास रहता है कि हमारे देश के युवा आगे बढ़ें, सरकार की योजनाओं का फायदा उठाएं